जोहार। नागपुरी न्यूज कर यूट्यूब चैनल में रोरमन का स्वागत है। मैं सत्यव्रत ठाकुर रोरमन कर बीच में उपस्थित हूँ जिला राज्य और देश का समाचार का संगे। रोरमन हमारे न्यूज चैनल में नावाही हले, हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लो, संगे संग हमारे न्यूज बेस लागले लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करब। धन्यवाद। लातेहार जिला पुलिस नक्सल विरोधी अभियान चलाए के नक्सली संगठन TPC का हथियार से भरल जखीरा बरामद कई रहे। गुप्त सूचना कर आधार में कार्रवाई करते एगो TPC उग्रवादी आदेश गंजू के गिरफ्तार करल जाए और उकर निशानदेही में हजारों राउंड जिंदा गोली और आधा बनल हथियार सहित 40 mm कर AC ग्रेनेड बरामद करल जाए, जेकर से नक्सली संगठन TPC के बहुते बड़ झटका लाई गे। मामला कर जानकारी लातेहार SP अंजनी अंजन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिलाई। वो बतालें कि TPC कर सब जोनल कमांडर आदेश गंजू के गिरफ्तार करल जाए रहे और उकरे निशानदेही में 8000 गोली, 30 HC ग्रेनेड, 2 पिस्तौल, 1 देसी बंदूक और 8 वाकी टोकी सहित ढेरे सामान बरामद करल जा है। बाकी अंजनी कुमार अंजन जे बतालें रोरेमन सुन के जान सकिला। 10 अप्रैल 2022 को दिलशेर खान की हत्याकांड हुई थी और उसके बाद 3 अप्रैल 2022 को दिलशेर खान की हत्या की गई थी। उसके बाद हम लोगों ने एक अपनी SIT की टीम बनाई थी। उस SIT की टीम का नेतृत्व कर रहे थे अजीत कुमार, SDPO बालूमाथ, इनके साथ में थाना प्रभारी हेरहंज और थाना प्रभारी बालूमाथ, इनके साथ में और कई पदाधिकारी थे। तो जब हम लोगों ने इसकी जांच शुरू की, इस हत्या की, तो इसमें TPC का लिंक जुड़ने लगा। शुरुआती दौर में इन्वेस्टिगेशन में ATS झारखंड के द्वारा भी हमें मदद प्रोवाइड किया गया और उस समय हम लोगों ने इसके मुख्य साजिशकर्ता प्रताप गंजू को गिरफ्तार किया। बीच बीच में हम लोगों ने और भी 3 गिरफ्तारियाँ की जिसकी सूचना मीडिया को दी जा चुकी है पहले भी। इसके पूर्व में भी हमने अन्य गिरफ्तार अभियुक्तों के माध्यम से भारी मात्रा में हथियार, गोली वगैरह बरामद किया था। इसकी सूचना भी हम लोगों ने मीडिया को दी थी। हमारी टीम लगातार छापेमारी कर रही थी और जो हमें सूचना प्राप्त हो रही थी उसके आधार पर हम लोग लगातार अपना इंक भी बिल्ड कर रहे थे। इसी दौरान हम लोगों को सूचना मिला कि बालूमाथ में सीरम के पास में TPC के कुछ सक्रिय जो उग्रवादी हैं वो इकट्ठा हुए हैं और रेलवे साइडिंग बालूमाथ के, चतरा जिला के, खलारी के, इनको लगातार टारगेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उनके पास भारी मात्रा में हथियार हो सकती है, ऐसी भी सूचना मिली थी। हमारी SIT की टीम ने बहुत त्वरित रूप से कार्रवाई किया और आदेश गंजू की गिरफ्तारी की। आदेश गंजू के बारे में मैं अलग से बताना चाहता हूँ कि ये TPC का एक काफ़ी सक्रिय उग्रवादी रहा है जो न केवल लातेहार जिला में बल्कि चतरा में, रांची में, विशेष रूप से खलारी क्षेत्र में ये सक्रिय रहा है और वहाँ काम करने वाले व्यवसायियों को, रेलवे में काम करने वाले, साइडिंग चलाने वाले ट्रांसपोर्टर्स को, इन लोगों को टारगेट करता रहा है। आदेश गंजू की गिरफ्तारी के बाद हम लोगों ने छापेमारी किया जहाँ से हम लोगों को ये जो आपके सामने है करीब 7322 राउंड लाइव गोली बरामद हुआ है। हथियार भी बरामद हुए हैं जो पिस्टल आपके सामने रखा है। इसके अलावा 8 वॉकी टॉकी मिले हैं, अन्य आर्टिकल्स भी मिले हैं। मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि इस बार हमें यह 40 mm HE ग्रेनेड मिला है जो झारखंड पुलिस के द्वारा पहली बार रिकवर किया गया है। ये 40 mm जो HE ग्रेनेड है ये एक अत्याधुनिक वेपन है और चूंकि ये काफ़ी शक्तिशाली विस्फोटक है इसलिए इसका प्रयोग सुरक्षा बलों के खिलाफ, संवेदनशील प्रतिष्ठानों के खिलाफ या सुरक्षा बलों के या किसी भी अन्य टारगेट व्हीकल के खिलाफ किया जा सकता है। अगर ऐसा इसका प्रयोग करते तो भारी क्षति पहुंचाई जा सकती है। तो अब इतना अत्याधुनिक हथियार उग्रवादियों के पास कहाँ से आ गया और वो इसका क्या प्रयोग करने वाले थे, इस बारे में अभी जाँच की जा रही है। तो हम लोगों की SIT अभी फंक्शनल है, वो लगातार इस बारे में जांच करेगी, आवश्यकता पड़ने पर रेड करेगी और हम लोग बाकी जो और उग्रवादी इसमें इससे जुड़े हुए हैं, इसमें शामिल हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी करेंगे। तो अभी तक इस दिलशेर खान हत्याकांड में जो हमारी कुल बरामदगी है, जो टोटल अरेस्ट है, वो आप लोग को लिस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। मोटे तौर पर हम लोगों ने अभी तक 8242 राउंड जिंदा कारतूस जमा सीज किया है और 2 पिस्टल भी हम लोगों ने सीज किया है,
इसके अलावा हम कई मोबाइल, वॉकी टॉकी और ये 30 HE ग्रेनेड ये सारा कुछ हम लोगों ने सीज किया है। तो मैं इसे एक मानता हूँ कि इससे काफ़ी धक्का लगा होगा, स्पेशली TSPC के जो उग्रवादी संगठन है उसको, और हम लोग आगे भी प्रयास करेंगे कि उनकी और हम लोग क्षति पहुँचाएँ, बाकी जो बचे हुए उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनकी गिरफ्तारी करें, जो हथियार उसके पास है उसको बरामद करें। सर, ये सर ग्रेनेड कहाँ से आया होगा? हाँ, इस बारे में हम लोगों की SIT अभी जाँच करेगी, हम लोग ऑलरेडी इस पर लगे